हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन को देखो ये पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, ठीक है। दर्शाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0, 1, अंतराल 0, 1 पर एक समान सतत है। यानी कि अपन को प्रूफ क्या करना है कि एक समान सतत है। तो इसके लिए हमने पहले आप लोग के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को देखने के लिए बीएससी सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट पर जाइए। और भी क्वेश्चन सॉल्व है, यूनिट बाय यूनिट है, ठीक है, क्रम से क्वेश्चन सॉल्व है उसमें। अब देखो सबसे पहले एक समान सतत है, इसकी अपन की कंडीशन उसमें हमने सॉल्व करी। कंडीशन क्या होती है ये पता होनी चाहिए। कंडीशन होती है मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन, अंडर रूट एक्स माइनस बाई लेस देन डेल। यानी कि अपन का जो एप्सिलॉन किस प्रकार हो ये पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या, दिया है जो फलन एफ ऑफ एक्स है क्या है, अंडर रूट एक्स दिया गया है, ठीक है। एक्स बिलोंग क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग का मैं कर रहा है 0, 1 अंतराल में, ठीक है। इतना अपन को दिया है तो अपन ने ये लिख लिया। अब देखो जो इसकी कंडीशन होती है एक समान सतत की, वो ये कंडीशन होती है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये अपन को बहुत से क्वेश्चन में करना है। यदि जैसे एक समान सतत पूछा जाएगा तो अपन को ये कंडीशन पता होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ जो मतलब एफ से लाइन हो अपना वो 0 से बड़ा हो, ठीक है। ग्रेटर देन 0 किस प्रकार हो, सच दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बाय लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि देखो 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए क्योंकि ये तो 0 से बड़ा है, ठीक है। और इसके समतुल्य क्या होना चाहिए, मॉड एक्स माइनस बाय लेस देन डेल। अब देखो पहले अपन ने एप्सिलॉन ले लिया यहाँ पे, ठीक है ये, फिर इसके बाद अपन ने डेल ले लिया। यानी कि ये इसका समीकरण पूरा, अपन को ये कंडीशन पता होनी चाहिए क्योंकि अपन ये लिखेंगे तो अपन का ये आना चाहिए, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते, सबसे पहले अपन ये वाला लेंगे। अब देखो क्या लिखना है, पहले देखो क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोग के लिए मतलब पेपर में भी पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो यदि एफ ऑफ एक्स, चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स दिया गया है और अंतराल दिए गए हैं एक्स बिलोंग्स टू 0, 1, ठीक है, ये अपन को अंतराल दिए हैं। माना एक्स बाई क्या है, माना एक्स बाई बिलोंग्स टू 0, 1 दो बिंदु हैं, ठीक है। जीरो वन के दो बिंदु यानी कि अंतराल के ये दो बिंदु अपन ने माने कि एक्स और बाई अंतराल के दो बिंदु हैं, ठीक है। अब देखो तब अपन ये वाला ले लो, अपन इसके बराबर ये सिद्ध कर देंगे, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बाय लेस देन क्या क्या करना है अपन को, लेस देन एप्सिलॉन। ये जो कंडीशन इसकी लिख लो, ठीक है। समतुल्य क्या होना चाहिए, एक्स माइनस बाय डेल। अब देखो अपन इसकी फर्स्ट वाली कंडीशन ले लेते हैं, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बाय ये वाली ले ली। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स और बाई क्या है, इसके बिंदु हैं, तो अपन लिख सकते हैं अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। ये एक्स के स्थान पर एक्स रखेंगे तो अंडर रूट एक्स ही होगा, ठीक है, माइनस एफ ऑफ बाई यानी कि एक्स के स्थान पर अपन बाई रखेंगे, एफ ऑफ बाई चाहिए तो एफ ऑफ बाई रख दो, अंडर रूट बाय मॉड के अंदर है, ठीक है। इसके बराबर अपन ने ये ले लिया। अब देखो मॉड के अंदर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट बाय, अंशहार में इसका परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है, प्लस से इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बाय। यानी कि इसको बराबर बटे में अपन बटे में भी ले लिया और गुणा में भी ले लिया, तो ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस का है यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट बाय का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बाय, ठीक है। अब इसका वर्ग कर देते हैं तो x माइनस बाय अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बाय, ठीक है, ये मॉड के अंदर ही चल रहा है अभी। अब देखो
जो अपन की कंडीशन थी, यहाँ देखो एक्स माइनस बाई ये आ गई अपनी ऊपर, मॉड एक्स माइनस बाई, ये देखो मॉड एक्स माइनस बाई क्या है, डेल से छोटा है, यानी कि देखो यहाँ पे अपन लिख सकते चूंकि मॉड एक्स माइनस बाई लेस देन डेल। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, अंडर रूट एक्स माइनस बाई की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बाई पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा डेल। अब देखो जो ये लेस देन है ना यहाँ, तो अपन का ये जो इक्वल का निशान चाह रहा है वो लेस देन का हो जाएगा, लेस देन डेल अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बाई, ठीक है। अब देखो जो ये आ गया अपन इसको क्या मानेंगे, एप्सिलॉन। देखो अपन को सिद्ध क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बाई लेस देन हो एप्सिलॉन के, ठीक है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बाय लेस देन एप्सिलॉन, क्यों, चूंकि डेल अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बाय इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है, ये मान अपन ने। तो अपन का देखो ये कंडीशन तो सिद्ध हो गई, ठीक है। अब अपन को इसी से पता चलता है कि जो जो फलन है वो अंतराल पर सतत है, क्योंकि अपन की ये कंडीशन लागू हो गई ना यहाँ पे, तो अपन लिख सकते हैं स्पष्टतः मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बाय लेस देन एप्सिलॉन मॉड एक्स माइनस वाई डेल, ठीक है। अतः एफ ऑफ एक्स यानी फलन जीरो एक अंतराल पर एक समान सतत है, यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया। मतलब इसमें अपन को ये पता होना चाहिए कि जो कंडीशन है वो क्या लग रही है। देखो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन अपन को ये पता होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन अपन को याद होनी चाहिए यदि सतत फलन अपन को ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि ये सतत है या नहीं है। तो अपन को ये लेके चलना है, हर क्वेश्चन अपन को ये लेके चलना है और इसके बराबर डेल या एप्सिलॉन अपन को सिद्ध कर देना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, थैंक यू।